comes the left arm, and Roy Sharma uses his feet, comes down the track. He's lofted it high and handsome for Surya. To the pitch of the ball. Angling away from the right-hander, Virat dropping his fists and then the ball through. Still 142. India trailing South Africa's first inning score by 144 runs. And this, as I said, is the resurrection time. The captain has got to lead from the front. Right in sunny day at Ahmedabad, as in comes. Hey, Bonu, what are you doing? My anda is falling. Why are you making a chicken? Your brother is not a chicken. स्पाइडरमैन है आप अंडे को छोड़ दीजिए हम आपके लिए सिनेमा हॉल से समोसे और पॉपकॉर्न लाए हैं थैंक यू तो फिल्म कैसी थी क्या सस्पेंस था बाय गॉड एंड तक कोई बता ही नहीं पाएगा कि खूनी लड़की के भाई का मामा था आप जरूर देखिएगा बहुत अच्छी है क्यों नहीं अब तो मैं सस्पेंस जानने के लिए मर रहा हूँ कल मिलेंगे ना पता नहीं टाइम होगा तो देखूंगा मिस मी पता नहीं टाइम होगा तो मिस करूंगा जो देखा मेरी एक्टिंग जरा भी पता नहीं लग रही थी मैंने सिमरन को क्या कि तूने बचपन में सिर से टेबल तोड़ा था और इसलिए तू ऐसा है अरे वो नहीं मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड सिमरन को ये नहीं पता है कि उसका बॉयफ्रेंड यानी कि सब इंस्पेक्टर रजनीश जसबीर वालिया उसे प्रपोज करेगा हाँ बोलू मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे सिमरन से शादी करनी है ये तो बहुत हाँ पता है मुझे तू क्या कहेगा यही ना कि सोच ले सोनू शादी के मामले में तेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है याद है पिछली बारी तेरे साथ क्या हुआ था हा? नहीं नहीं मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ तू मेरे लिए कभी खुश क्यों नहीं हो सकता हाँ सुनो मैं खुश हूँ मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ सच हाँ मैं माया को ये खुशखबरी जाके बताता हूँ जब तक मैं सिमरन को प्रपोज नहीं कर देता तब तक ये राज तेरे सीने में दफन रहना चाहिए समझो राज सीमा दफन मूवीज तो आजकल बहुत ज्यादा देखने लगा है चलना हम लोग आज शाम को मूवी के बदले कोटला में मैच देख के आते मैं और तू नहीं आ सकता जरूरी काम है क्रिकेट से ज्यादा कौन सा जरूरी काम हो सकता है वो मैं सिमरन के पेरेंट्स से मिलने जा रहा हूं वो थोड़े अलग टाइप के हैं ना निर्मल जी एक बात पूछें पूछिए ना पवित्रा जी कल हमारा बुना नीला स्वेटर आपको दिया था बहुत ही अच्छा लगा मेरे बाकी चार नीले स्वेटरों के साथ बिल्कुल मैच हो जाएंगे आंवले का जूस पिए साथ में मेथी के लड्डू हो तो क्या कहने इतनी देर रात कौन होगा रात के 8 बज रहे निर्मल हा? जी नमस्ते निर्मल अंकल पवित्रा आंटी अरे सब इंस्पेक्टर साहब आप हाँ मुझे मेरे नाम से बुलाइए ना अंकल सब इंस्पेक्टर रजनीश कैसे आना हुआ वो बस मैं यहाँ पास से गुजर रहा था तो मैंने सोचा पास से लेकिन हमारा घर तो करनाल में है और ये ठहरे दिल्ली वाले आपने एक पुलिस वाले की चोरी आकर पकड़ ही लिया चोरी नहीं 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 ऐसी वैसी चोरी नहीं अंकल आंटी वो तो बस मैं आप लोगों से कुछ कहने नहीं मेरा मतलब कि मैं आप लोगों से कुछ पूछने आया था कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ
अंकल आप तो जानते हैं कि सिमरन मुझे काफी टाइम से जानती है और मैं भी उसे उतने ही टाइम से जानता हूं और ये जानते हुए कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और तुम्हें तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं सिमरन से शादी कर सकता हूं? नहीं 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 बैठो ना बेटा, आमले का जूस पियोगे? मैं मना नहीं जा रही थी। नहीं, लेकिन क्यों? वो इसलिए सब इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हमने हमारी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। वो नाजुक कमसिन कली है। उसका जीवन प्यार, अहिंसा, खुशियों से भरी, फूलों से सजी सेज पर बीती है। और आप ठहरे पुलिस वाले। आपकी जिंदगी में आए दिन हिंसा, मारपीट, कपट, क्रोध, खून वगैरह वगैरह होता ही रहता है। ये सब हमारी बेटी कैसे झेल पाएगी? लेकिन अंकल, हम हमारी बेटी के लिए उसी के जैसा, हमारे जैसा कोई पवित्र, निर्मल, कोमल, शांत स्वभाव का लड़का चाहते हैं। अंकल श्री, आंटी श्री, शुभम। शुभम निर्धारित बेटा। शुभम। वो भिंडी नहीं मिली ना तो मैं तुरई ले आया, पाचन शक्ति के लिए श्रेष्ठ होती है। उत्तम, अति उत्तम। ये महोदय कौन है? शुभम। ये है सिमरन के दोस्त सब इंस्पेक्टर रजनीश, और ये है निर्धारित। वैसे तो कहने को हमारे लिए पड़ोसी हैं, किंतु पुत्र से अधिक है। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आंटी श्री? वैसे कल सत्संग की प्रथम पंक्ति की 3 टिकटें ले आया हूँ, मैं ले चलूंगा आप दोनों को। आप भी चलिए ना हमारे साथ, ईश्वर का नाम लेने में बड़ा आनंद है। वो यहाँ नाम लेने नहीं आए, वो तो सिमरन का हाथ मांगने आए थे। सिमरन का हाथ? आपको कहीं देखा है मैंने? हाँ, ओखला मेट्रो स्टेशन के बाहर आप वर्दी में थे। कान से पहचान लिया? तमंचा लेके आप एक आदमी को मार रहे थे। क्या कहते हुए? सुअर की औलाद, क्या समझता है मैं आपको? कमले छाती के अंदर दूंगा। कुछ ऐसा ही था ना? देखिए, हमें कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। गाल पे मच्छर। मौत होगी क्या बेचारे को? जान बच गई, अब ईश्वर को प्रणाम करते हैं, फिर इसे छोड़ देता हूं। देखिए अंकल आंटी, मैं कोई ऐसा सिंगम टाइप का आदमी नहीं हूं। जानता हूं बे। क्या मैं तुम्हें बेटा कहके बुला सकता हूं? हाँ तो बेटा, सच कहूं तो मैं हमेशा दूसरों को अपना पक्ष सामने रखने का मौका देता ही हूं, लेकिन इस विषय में नहीं दे सकता। निर्धारित बेटा, आंवले का जूस पियोगे? साथ में मेथी के लड्डू बन जाए तो क्या कहते हैं आंटी श्री? हेलो एवरीवन। लो। अबे सोनू, कहाँ रह गया था तू? रसमलाई को ताक ताक के आंखें बंटे की तरह बाहर आ गई हैं। तेरी माँ कह रही है कि जब तक तू नहीं खाएगा हम भी नहीं खा सकेंगे। बस पापा जी, बहुत मीठा हो गया आज एक दिन के लिए। सोनू, क्या हुआ? सिमरन और तेरे बीच कुछ हुआ है क्या? अबे क्यों लड़ता रहता है तू उससे? याद रख, हर औरत तेरी माँ जैसी नहीं होती।
भैया आपने फिर से ब्रेकअप किया? अरे नहीं एक्चुअली सोनू अगर सिमरन चली गई ना तो मुझे फिर से पौवे का सहारा लेना पड़ेगा। मम्मी जी मैं क्यों लड़ूंगा उससे, मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मम्मी जी शादी देखा पापा जी मुझे तो पता था पर मैंने दफन रखा सीने में राज। मेरा सोनू शादी कर रहा है? शादी कर नहीं रहा है मम्मी जी, शादी करना चाह रहा है। इसलिए मैं उसके माँ बाप के घर गया था उसका हाथ मांगने के लिए। मैंने सुना है बड़े संस्कारी लोग हैं वो। और बड़े ही संस्कारी ढंग से उन्होंने मुझे मना भी कर दिया। मना कर दिया? मेरे बेटे को मना कर दिया? शायद यही वजह रही होगी कि वो तेरा बेटा। हरोक मजाक मजाक। पर तुझे वहां जाने की क्या जरूरत थी? तो क्या करता, भगा के ले आता उसे और उसके माँ बाप को SMS भेज देता। सोनू मुझे पता दे दे उनका, मैं और तेरे पापा जी जाके ना बात करती हूँ उनसे। रजनीश भैया एक मिनट, आप घबराइए मत। सबसे जरूरी बात यह है कि आप और सिमरन एक दूसरे को चाहते हैं, उसके आगे आज नहीं तो कल उसकी फैमिली को राजी होना ही है। तो आप बिना डरे वही कीजिए जो आपका दिल कहे। पर एक बार शादी हो जाए तो वही करना जो बीवी का दिल कहे। बहुत हो गया, अब रसमलाई खाने दे यार। शादी के लिए मना किया है, छोड़ो। तो आप डिजर्ट? नहीं माया डिजर्ट नहीं, मैंने तो बस ग्रीन टी पीनी है। क्यों? बहुत मोटी हो गई हूँ मैं इस साइड से। तो फिर तो डिजर्ट बनता ही है ताकि तुम इस साइड से भी मोटी हो जाओ, बैलेंस। क्या माया तुम भी ना। अरे भाई साहब सुनिए, खाने का पैसा मुझसे लेना। ओ खाना पीना बंद करो भाई। ओए टूटे बम्पर वाली लाल गाड़ी किसकी है और कौन है उसका मालिक? मैडम आपकी है क्या? अब लाल गाड़ी इसकी है। मैडम गलत जगह गाड़ी लगाई, अब तो फाइन भरना पड़ेगा। ओ सिंह टो वाले को फोन करके गड्डी उठवा ले जरा। एक मिनट रुकिए, आप मेरी गाड़ी को ऐसे ले नहीं जा सकते। तो फिर यही फाइन गाड़ी है? फाइन 500 है, चलेंगे। एक मिनट, ये तो मेरे खाने के थे। ओ रिश्वत देती हो? ओ बुला साहब जी को। साहब जी क्या हो गया? देखिए मैडम अंदर। हां साहब रिश्वत दे रही थी। रजनीश रजनीश ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। रिश्वत दे रही थी साहब। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता सिमरन, सजा तो तुम्हें होके रहेगी। क्या? मैं सिमरन आनंद, क्या तुम मेरे साथ उम्र कैद की सजा काटना पसंद करोगी? हाँ? उसने आ गई नहीं तो रुक जा। मैं सिमरन, क्या तुम आनंद से वालिया बनना पसंद करोगी? Will you marry me? मतलब ये हाँ है या ना है? सोनू, मम्मी जी, मुझसे शादी करने के लिए थैंक यू। तुम्हें एक काम और करना होगा। तुम्हारे लिए दो करूंगा। जैसे तुमने मुझे मनाया, तुम्हें मेरे मम्मी और पापा दोनों को मनाना होगा। दो काम। ओहो निर्मल जी ये नीला स्वेटर तो थोड़ा सा छोटा हो गया। कोई चिंता नहीं पवित्रा जी, तुम्हारा दूसरा बुना हुआ नीला स्वेटर मैं इसके ऊपर पहन लूंगा तो ये तो दिखेगा ही नहीं। 10 बजे आधी रात को कौन आया है? शुभम शुभम अंकल, मैं जानता हूं कि आप इस मुद्दे पे बिल्कुल बहस नहीं करना चाहते, लेकिन प्लीज आप मुझे बस एक मौका दीजिए। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि मेरे जीवन में चोर डाकुओं बदमाशों के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस समाज के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
जैसे कि ये सज्जन इस देश का बहुत ही मेहनती और होनहार नागरिक, एक आदर्श पिता और एक जिम्मेदार पति, और इसका भाई। मेरा नाम सुमित है, शुभम। सिमरन से आपके बारे में बहुत सुना है। आओ आओ, अंदर आओ। यस, कम से कम अंदर तो घुसे। आप दोनों चुकंदर का जूस पियेंगे? चुकंदर तुम्हारी भाषा में बीटरू। मेरा भाई एक जाने माने टीवी स्पोर्ट्स चैनल का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। इसने बहुत सारे मैचेस कवर किए और इसने कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू भी लिए और इसने 2 अवार्ड्स भी जीते हैं। अवार्ड्स? आपकी भाषा में पुरस्कार। मैं जूस लेकर आती हूँ। देखो बे, क्या मैं तुम्हें बेटा कह के बुला सकता हूँ? हाँ हाँ, बिंदास बुलाइए। बेटा बात ये है कि मैं समझता हूँ कि सिमरन की भलाई आपसे ज्यादा कोई अच्छा समझ नहीं सकता है। तो अरे थैंक यू आंटी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप लोग भी बैठ जाइए ना, अपना ही घर समझिए। अंकल, ये स्वेटर आपके लिए छोटा हो गया या आप इस स्वेटर के लिए बड़े हो गए हो? नहीं, नहीं, मजाक करने की मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं एक्चुअली कह रहा था कि सुमित शादीशुदा है। सुमित जो है वो फैमिली मैन है। दरअसल हम लोग ना फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं। साथ साथ खाते हैं, साथ साथ सोते हैं, साथ साथ मंदिर भी जाते हैं हर बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार कौन सा दिन होता है? गुरुवार। ओह, मंडे। आंटी श्री, शुभम। शुभम निर्धारित बेटा। शुभम, मैं आटा पिसवा कर ले आया। उत्तम, अति उत्तम। आप सब इंस्पेक्टर रजनीश के भाई हैं, सुमित जी। और सुमित जी, ये निर्धारित बेटा है। कहने को तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन पुत्र से भी अधिक। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे अंकल श्री? ये लोग फिर से वो ही बात करने आए हैं, पर तुम्हारी क्या राय है? मुझे लगता है सब इंस्पेक्टर रजनीश शादी के बाद सिमरन को खुश रख पाएंगे। शादी का इतना अनुभव जो है इन्हें। हम कुछ समझे नहीं निर्धारित बेटा। मैंने इन सज्जन की छानबीन करवाई तो मुझे पता चला कि ये जजमान की तो पहले शादी हो चुकी है। हुई नहीं है, हुई नहीं है। वो लड़की मंडप छोड़ के भाग गई थी, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई है। सच सच बताना, बात क्या है? इससे भी कड़वा सच तो ये है कि ये महानुभाव दिल्ली में अकेले एक फ्लैट में रहते हैं और वहां हमारी सिमरन का अक्सर आना जाना, आना जाना, आना और देर से जाना लगा रहता है। हे भगवान निर्मल जी, हमारी सिमरन। प्लीज, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा भाई बिल्कुल इस किस्म का है ही नहीं। जरा सोचिए अंकल श्री, सब इंस्पेक्टर रजनीश और हमारी सिमरन एक कमरे में बंद हो और चाबी निर्मल जी। नहीं अंकल, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। शुभम अंकल जी, लेकिन इसमें मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है। सिमरन खुद अपनी मर्जी से वहां रुका करती थी। निर्मल जी, मुझे तेज चक्कर आ रहे। सज्जन जाइए यहाँ से। सिमरन को अकेले दिल्ली भेजकर बहुत बड़ी भूल की हमने। तेरा रन रेट तो मैं डाउन करूंगा निर्धारित। शुभम, ये देखो मैंने तो येलो वाला लहंगा भी चूज कर लिया है। कैसा है मोनू? सिमरन जरा एक मिनट आना। पुचकू, क्या बात है? उन्होंने ना कर दी सिमरन।
क्या? तुम्हारे पेरेंट्स को मैं पसंद नहीं, ना मेरी नौकरी, ना मेरा अतीत, कुछ भी पसंद नहीं। यहाँ तक कि मेरा भाई भी पसंद नहीं। लेकिन मुझको मैंने येलो वाला लहंगा भी चूज कर लिया है। सिमरन, लहंगा वही येलो होगा, बस दूल्हा कोई और फेलो होगा। दूल्हे तुम ही होंगे पुचकू, मैं उन्हें मनाऊंगी और उसके लिए मैं उसकी मदद लूंगी जिसकी बात वो कभी नहीं टाल सकते। किसकी? मेरे बचपन के दोस्त निर्धारित की।